हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी की वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसकी थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बच्चों, आपकी ये वर्कशीट 25 जनवरी 2022 के लिए है और यह कक्षा 5 के लिए है। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। चित्र पहेली, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आप चित्र 1 में देखेंगे जो हरे तीरों से निशान लगाए गए हैं, वहां पर वो जो चीज़ें बनी हुई हैं, चित्र 2 में वे चीज़ें नहीं बनाई गई हैं। तो ये 3 गलतियाँ हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहली गलती, इस तीर में लाइन जा रही है पहले चित्र में, जबकि दूसरे में नहीं है। दूसरी गलती, आँख में देख सकते हैं आई बॉल नहीं बनी हुई है, जबकि पहले चित्र में बनी हुई है। तीसरे चित्र में आप देखेंगे गिफ्ट में चौड़ा रिबन लगा हुआ है, और जबकि दूसरे चित्र में चौड़ा रिबन नहीं है। चलिए, 3 गलतियाँ हमने ढूंढ ली हैं, अब पढ़ते हैं। बच्चों की गुल्लक, जमीला, अमन और हिना बहन भाई हैं। तीनों को हर त्यौहार पर उनके अब्बा अम्मी कुछ रुपए देते हैं। वे तीनों ये रुपए अपनी अपनी गुल्लक में रखते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में उनके अब्बा ने उन्हें कुछ रुपए दिए। रुपए रखते समय तीनों की आपस में चर्चा होने लगी कि किसकी गुल्लक में ज़्यादा रुपए हैं। उनकी चर्चा सुनकर अम्मी ने कहा कि तुम तीनों की गुल्लक भर भी गई है, क्यों ना आज तुम तीनों अपने अपने गुल्लक खोल कर उसमें रखे रुपए गिन लो, फिर हिसाब लगा लेना कि किसकी गुल्लक में अधिक रुपए इकट्ठा हुए हैं और किसकी गुल्लक में कम। इस बात पर तीनों बहुत खुश हुए और अपनी अपनी गुल्लक खोलने लगे। अम्मी ने तीनों को एक कागज और पेन दिया ताकि वे गुल्लक से निकले रुपयों का हिसाब लिख सकें। तीनों अपना हिसाब लिखने लगे। आप भी उनका हिसाब पूरा करने में मदद कीजिए। चलिए नीचे देखते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है, जिसमें नाम, रुपयों का हिसाब और कुल इकट्ठा हुए रुपए। पहला नाम जमीला, यह आपके लिए किया गया है। रुपयों का हिसाब दिया गया है 5000 जमा 600 जमा 30 जमा 2, तो कुल इकट्ठा हुए रुपए 5632। अब इन्हें शब्दों में लिखा गया है 5632 रुपए, और अंग्रेजी में भी लिखा गया है 5632 रुपीज़। अब अमन के जो रुपए इकट्ठा हुए हैं, उन रुपयों का हिसाब है 4000 जमा 800 जमा 50 जमा 7, तो कुल इकट्ठा हुए रुपए 4857। अब इसे शब्दों में लिखेंगे 4857 रुपए, और अंग्रेजी में लिखेंगे 4857 रुपीज़। हिना के रुपयों का हिसाब 6000 जमा 100 जमा 40 जमा 8, अब इन्हें शब्दों में लिखेंगे 6148 रुपए, और अंग्रेजी में लिखेंगे 6148 रुपीज़। अब ऊपर दी गई तालिका देखकर पता लगाइए किस बच्चे की गुल्लक में सबसे अधिक रुपए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हिना। आप देख सकते हैं हिना के गुल्लक में सबसे अधिक रुपए हैं। हिना के पास कुल 6148 रुपए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। दूसरा, किस बच्चे की गुल्लक में सबसे कम रुपए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अमन, क्योंकि अमन के गुल्लक में 4857 रुपए हैं। आइए अब कुछ और संख्याओं को पढ़कर उसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पहचानिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं। पहला 854, 698, 412, 156। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 854, और सबसे छोटी संख्या 156। दूसरे नंबर पर 2594, 5469, 9568, 5134। अब इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 9568, और सबसे छोटी संख्या है 2594। अब तीसरे नंबर पर जो संख्याएं दी गई हैं, 1426,
5684, 3564, 7842। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या है 7842 और सबसे छोटी संख्या है 1426। तो बच्चों, यहाँ हमने संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में जाना। बच्चों, आपको मालूम है गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो इस बारे में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा करेंगे कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस पर क्या क्या किया जाता है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।